और बोल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। शंकर भगवान के भक्तों का प्रभाव था, जैसे हमें मालूम पड़ा कि सबसे पहले तो प्रणाम आपको और बोल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज लोगों का आस्था जो है भगवान शिव के प्रति बढ़ रहा है, आपके कथा का असर है? ये तो बाबा देवादी तो महादेव की कृपा है शिव भक्तों पर। कुछ तो कहेंगे कि सावन और अधिक मास भी है, उसका प्रभाव है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी में युवा पीढ़ी भगवान देवादी देव महादेव से जुड़ी है। आज कथा स्थल पर लाखों की भीड़ थी और हजारों लोग कथा स्थल नहीं पहुंच पाए और शहर के अंदर और बाहर 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियों का काफिला जमा हो गया था। जी, शंकर भगवान के भक्तों का प्रभाव था, जैसे हमें मालूम पड़ा कि रेलवे स्टेशन पर भी भक्तों को यहाँ तक आने नहीं दिया है या भीड़ अपार होने के कारण, क्योंकि तिल्दा का जो नगर है शहर है वो एक बस्ती में बसा हुआ है। हम तो कहेंगे तिल्दा नहीं है, स्वयं तीर्थ का ही एक स्वरूप है जहाँ पर इतने भक्त एक साथ में पहुँच गए, तो ये शिव भक्तों का ही प्रभाव। पूरे क्षेत्र में गाड़ियाँ खड़ी करने की भी व्यवस्था इतनी नहीं हो पाई, क्योंकि कीचड़ भी है, पानी भी है, खेत में गाड़ियाँ नहीं उतर सकती, पर बहुत अच्छी व्यवस्था तिल्दा शासन ने, तिल्दा के रहने वाले कलेक्टर या SPD SP आदि पुलिस प्रशासन और जो भी राजनेता सत्ताधारी जो भी हों, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और बहुत अच्छी तरह से यहाँ भक्त लोग पहुँचे। तिल्दा जैसे शहर में आपका यह कार्यक्रम हो रहा है और आयोजनकर्ता समाज सेवी घनश्याम अग्रवाल जी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? घनश्याम जी अग्रवाल जी इस कथा को लेने के लिए 2 वर्ष पहले बाबा के दरबार में पहुँचे शिव कृपा के हिसाब से, जब कथा चल रही थी भिलाई में उस समय पर, और हमारा छत्तीसगढ़ उस समय पर आना हुआ था, जिस समय पर घनश्याम जी अग्रवाल जी वहाँ पहुँचे थे और उनके भीतर भगवान शिव के प्रति जो भाव था वो भाव आज भी झलकता है, वो देखने को मिलता है उनके परिवार में, जहाँ शंकर के प्रति उदारता, आराधना का एक आनंद। जब ही तो इतने भक्त, ये भाव होगा तभी तो इतने भक्त तिल्दा में पहुँचे हैं, तो ये यजमान परिवार के भाव से भी भक्तों का आगमन होता है। श्री शिवानंद।